को इंडिया रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मोदनगर से। भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल का भाजपा के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंगल के नेतृत्व में कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। ग्राम विद्यापुर में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए जाते हुए अमित चौधरी जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने रास्ते में क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया, जहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष खुद ट्रैक्टर चलाकर ग्राम विद्यापुर पहुंचे और किसान पंचायत को संबोधित किया। इसके उपरांत ग्राम भदोले में किशन वीर पिलाक प्रमुख द्वारा आयोजित किसान सभा व पुष्पेंद्र रावत द्वारा आयोजित किसान पंचायत ग्राम मनोटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान महापंचायत की। उन्होंने किसानों को सीधे वार्ता करते हुए किसानों को कृषि बिल के बारे में बताया वह सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि विपक्ष उन्हें मुद्दा बनाकर किसानों का नुकसान कराना चाहता है। किसानों ने हाथ उठाकर किसानों के हित में समर्थन दिया। जीवन अस्पताल के डॉक्टर नरेंद्र शिवाज ने भी बेनीवाल जी का जोरदार स्वागत किया। जिला प्रभारी सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बसंत त्यागी, योगेंद्र मवी, नगर अध्यक्ष अशोक महेश्वरी, नरेश अमराला, देवेंद्र चौधरी, देवेंद्र डायमंड, सत्येंद्र त्यागी, नितिन मित्तल व प्रदीप बोस, अनुज त्यागी, सतीश बखरवा आदि लोग उपस्थित रहे। धन्यवाद। जिनको बहुत देर से आप सुन रहे थे और जिन्होंने किसानों के बारे में, इससे पहले कि और कुछ कहूं कि मैं ये चाहूंगा कि आज अपने इस गांव में किसानों की गोष्ठी आयोजित जो हुई है उसमें सब लोग अपनी कोई राय रखनी, माइक जाएगा वो अपनी बात तरीके से जो अच्छी लगे सब समाज को इस तरीके से, क्योंकि हमारे बड़े पदाधिकारी आए हैं उनके समक्ष अपनी वार्ता रखने का उसे पूरा अधिकार रहेगा, ऐसा मैंने। और बिना कोई भूमिका बांधे मैं अपने उन तीन बिलों में कहीं जमीन का जिक्र नहीं है। उसमें जिक्र क्या है? उसमें जिक्र है तो ये जिक्र है कि एक फसल से लेकर के 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के आपके मध्य कोई विवाद होगा तो 30 दिन के अंदर उसकी सुनवाई एसडीएम कार्यालय में होगी। किसान के हितैषी यदि कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो देश की मिट्टी में पैदा होता है और मिट्टी में ही मरता है। मैं सभी किसान भाइयों का अभिनंदन भी करता हूं, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज जो भ्रम की स्थिति पैदा करी गई है इसमें और कोई नहीं है, ये राजनीतिक दल है, इनके भ्रम में मत आना। और जिस प्रकार से यह काम इस देश के अंदर कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं जो ये सब दिखाई दे, खाली पंजाब में क्यों दिखाई दे रहा है, ये गुजरात में क्यों दिखाई नहीं देता, ये तमिलनाडु में क्यों नहीं दिखाई देता, ये पूर्वोत्तर राज्यों में क्यों नहीं दिखाई देता, ये हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं दिखाई देता, ये कश्मीर में क्यों नहीं दिखाई देता। कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर राज्य तक किसान तो इस देश के कोने कोने में है, मिट्टी में बसा हुआ है कि नहीं? इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? तो क्या ये पंजाब कोई खुजली ज्यादा क्यों है? ऐसा क्यों है कि ये सारा का सारा जो आंदोलन की शुरुआत है ये पंजाब से शुरू होती है? और 26 तारीख की घटना को भूल मत जाना, वहां पर भी उधर से कोई लोग आए थे उस खंभे पर चढ़ करके राष्ट्रध्वज को हटाने का काम करने का जिन लोगों ने काम किया, वह घटना जो है भूलने लायक नहीं। किसान राष्ट्रवादी है, ऐसा करने वाला कोई किसान भाई हो ही नहीं सकता। किसान के मन में इस देश के झंडे का भी सम्मान उतना ही है जितना सम्मान वह अपनी माता का करता है। वह उस बात की चिंता करता है जिस प्रकार से खेत खलियान में खेलते खेलते बड़ा होता है किसान का बालक। मैं खुद किसान पृष्ठभूमि से आता हूं।